रघुवीर आगे नहीं, अजीब है यार। अरे कितना अजीब, कितना चल रहा है आपके साथ। अच्छा ठीक है, चल अभी थोड़ी देर तू व्लॉगिंग कर, ये ले तू पकड़, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए थोड़ी देर के लिए तू बोल कुछ, क्या हम यहाँ आए, हम घूम रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज संग्राम सिंह और ये रागनी जी हमारी सरकार। तो अभी हम लोग आए यहाँ पर बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई और यहाँ पर सोशल नेशन यूट्यूब का एक फंक्शन है गेट टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं। तो हम दोनों भी आए यहाँ पर ये जो फंक्शन है, जो गैदरिंग है, इसे ब्लॉग करने के लिए और थोड़ा यूट्यूब को और नज़दीकी से जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कल क्या हुआ, कल जो क्रिएटर है मोस्टली सेन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ यूट्यूब इन इंडिया, प्राजक्ता कोहली, उनकी इंस्टा स्टोरी पे आया था कि स्वागत करें और एक फॉर्म भरिए, हो सकता है कि आप एलिजिबल हो एक फ्री पासेस के लिए, फ्री पास के लिए। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया था और मुझे आज सुबह 12 बजे पता चला कि मुझे 2 फ्री पासेस मिले। तो मैं हमारी सरकार, मेरी वाइफ रागनी जी को लेकर आया हूँ और अभी हम दोनों यहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क करके अंदर जाने वाले और फुल धमाल ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। और बोल ही नहीं रही है रागनी, अरे कुछ तो बोल। अच्छा तो ठीक है, लेट्स नॉट डू मोर टाइम पास, चलो अंदर जाते हैं। हाँ और यही पीछे हो रहा है, अभी जाते हैं, बहुत ज़्यादा धमाका हो रहा है अंदर, गाने वाने की आवाज़ आ रही है। चल चल। तो अभी हम लोग मेन गेट पे गए थे और वहाँ पर पता चला गेट नंबर 4 या 3 कुछ तो था, वो वहाँ पर पता चला कि 5 जो है वो गेट नंबर 9 पे मिलेगा। अभी भैया हम तो यहाँ पर पहली बार है, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट वगैरह में, लेकिन रागनी जी का ये पहली बार है। तो रागनी जी आपका क्या कहना है इस बारे में, जनता जवाब चाहती है। अरे बोलिए, जनता इंतजार कर रही है। अरे बोल ना कुछ, अरे हमेशा वीडियो में इतना कुछ बोलते हैं, आज एकदम चुपचाप है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। हाँ तो ठीक है, कुछ तो बोल, हाय हेलो तो कर दे जनता को, हमारे सब्सक्राइबर्स को नमस्ते कर दे, हाय हेलो कर दे, हाय। तो अभी एक छोटा सा सीन क्रिएट हो गया, एक्चुअली मुझे जो मैसेज आया था वो डे 2 के लिए था और सिर्फ 1 पास के लिए था, और मैंने इतने एक्साइटेड में मैंने ऐसे पढ़ा, मुझे लगा ऐसे कि 2 पास है डे 2 के लिए, और यहाँ पर आगे पता चला कि 1 ही पास था। तो 1 पास जो मुझे वो मिला जो फ्री पास था, और मेरे वाइफ के लिए अलग से टिकट बुक किया, ये बंदे ने मुझे यहाँ से ऑनलाइन से करके दिया, 499 एक्स्ट्रा चार्जेस लगे। और आप जाते हैं अंदर फुल ऑन धमाल करते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग के पीछे, लेट्स गो। जाना रागनी एक बार, मेरे लिए जा, मेरे लिए जा, जाना, यही सब तो मजा है जो जिंदगी में लेना है, वरना फिर क्या रखा है, चल ये सब एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या रखा है जिंदगी में, जा चल 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 जा जा, मैं तेरा फोटो खींचता हूँ, जा जा बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, जा चल, अपन दूसरे को बोलते और अपन ही फुल ऑन नहीं जी रहे, जा तू जा फिर मैं जाऊँगा, बहुत शर्माती है, जाना रागनी मेरी कसम है तेरे को, जा जा मेरी कसम है, जा अभी मेरी कसम है, फिर कुछ हो जाएगा मैं रोज बाइक पर अकेले आता जाता हूँ, जा चल, फिर मैंने कसम दिया तेरे को मेरा, वो देख ना सब जा रहे, जा उधर बीच में जा, ये लड़की शर्मा रही है ऊपर जाने के लिए। रागनी तो रोज इतना एक्साइटेड रहती है, इतना वीडियो बनाए अपन, 1.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो बोल, अरे वो एक्साइटमेंट लेवल किधर है तेरा, इतना शर्मा रही है, ठीक है इट्स ओके। आज जाके मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यूट्यूब, और काफी अच्छा लग रहा है, अब और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। रानिया सब कुछ भी नहीं बोलती है, क्या बोलती है, कुछ तो बोल, जब बोलेंगे जब बात करेंगे तो ही सब अंदर का डर निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अच्छा चलो उधर घसरगुंडी है, तो स्लाइड चल तू भी घसरगुंडी खेल, सब पर घसरगुंडी है, सब खेलने से पहले वॉशरूम जाते हैं, मतलब इतना करना प्रेशर लगाना, लेट्स मूव, चल इधर से जाते हैं अंदर, आ ये सारे जो आर्टिस्ट थे वो सब आए और रेड कार्पेट पे, और पता नहीं लोगों का परफॉर्मेंस का अच्छी होगा, ज़्यादा मुझे याद है मैंने मुंबई के रिजल्ट की स्टोरी और ब्लॉग दिखा रहा हूँ, बोल रहा था कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो 7 to 8 अभी स्टेज पे थे फ्लाइंग बीस, उनकी वाइफ रितु राठी और चिकुलू, हमारे भी बच्चों महाराज को लाने का प्लानिंग था, लेकिन ये बारिश के चक्कर में हम लोग नहीं ला पाए और हम लोगों को लेट भी हो गया था। यहाँ पर एक जायंट स्लाइड है पीछे,
जिसे हम लोग बस्तर बुल्ली कहते हैं, वो बोल रहा हूँ चल अपन दोनों जाते हैं, अगर तेरे को अकेले नहीं जाना शर्मा तो मैं भी चलता हूँ सर, मैं अपन दोनों आते तेरे को सिर्फ शर्म आ रहा है नहीं जाना। तो मैं अकेला जा रहा हूँ स्लाइड पर और ये निकाली वीडियो, मैं चाहता था ये भी आए यार कि यहाँ पर आई है कभी ये सब इसने देखा नहीं, ये सब एंजॉय किया नहीं, तो बस ये अच्छे से देखे अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो हमेशा वीडियो में एकदम गाँव में रहती है, आपको यकीन नहीं आता खुशी के रहकर वीडियो आप देखना, हम जो है ब्लॉग एकदम गाँव में रहती है, ये शायद इतने सारे लोग देखे इसको थोड़ा सा वो शर्मा रही है, शर्मा नहीं क्या बात है, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, अपना भी हक है भाई जन्म से अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, एकदम उदास लग रही है और ज़्यादा उदास लग रही है, कभी ऐसा नहीं रहती एकदम ताव में रहती है, घर से भी निकली तो एकदम ताव में एकदम जोश में, रागनी बदल गई यार आज रागनी एकदम ज़्यादा बदल गई है, पूरी बदल गई है, मैंने कभी भी रागनी को ऐसा नहीं देखा, कुछ नहीं है तो उसमें क्या हो गया, मांग में सिंदूर नहीं है बिंदी नहीं है, धुल गया सब बारिश से, मुँह धोते धोते बिंदी निकल गई, उसमें क्या हो गया, मेरे भी तो मार सर में मांग में कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना तेरा पति तो उसमें क्या हुआ, दिल से मेरी पत्नी है बस बात खत्म, क्या बोलते भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं तो फिर क्यों शर्मा रही है ना, हाँ मेरा क्यों छोड़ दीजिए, ऐसा होता तो फिर मैं अकेला आता ना, तेरे को क्यों लाता साथ में, हाँ तेरे बारे में सोचने तो तेरे को लाता ही नहीं, मैं अकेला आता, चेक कर लीजिए कितना टिकट है ये अभी भी वो 500 रुपये, अच्छा तू इसीलिए अब मैं समझा वो 500 रुपया बाहर टिकट का गया इसीलिए तू उदास है, अरे क्या ऐसा क्या जिंदगी भर क्या मैं कमा नहीं पाऊंगा 500 रुपया दोबारा, हाँ वो क्या मेरे जिंदगी का आखिरी 500 रुपया था, क्या यार ये लड़की है तू भी रागनी अजीब है यार, अच्छा ठीक है चल अभी थोड़ी देर तू ब्लॉगिंग कर, ये ले तू पकड़ प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए थोड़ी देर के लिए तू बोल कुछ, क्या हम यहाँ आए हम घूम रहे हैं, अभी जस्ट मोस्टली सेन का अनाउंसमेंट हुआ है कि मोस्टली सेन आई है रेड कार्पेट पे और सारे लोग दीवानों जैसे भाग रहे हैं, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन क्रिएटर और मैंने भी उसका एक ब्लॉग बनाया था मीट मीट एंड ग्रीट का, जब कुल्ला फिल्म्स हॉल में उसका मीट था और वो मेरा शायद दूसरा तीसरा ब्लॉग था और काफ़ी अच्छा ब्लॉग बना था, मैंने देखा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा, बेस्ट ब्लॉग किल डेट, प्लान था रेड कार्पेट किया जाने का, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ है लोगों के खड़े रहने बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो हमने वहाँ पर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और यहीं पर खड़े रहकर एंजॉय कर रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है सबका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है क्योंकि सारे लोग जमा हो गया है और ये जो अनाउंसमेंट का बंदा जो चावल खा के आता भात खा के आया था जो जोर से चिल्ला के सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसने अपना इंट्रोडक्शन सब हाँ पंक्चर कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, तो अभी हम लोग भी आए यहाँ स्टेज के पास और देखते हैं कैसा है क्या है, भाई हम लोगों को तो लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई है, अब इतनी भीड़ में खड़े कहाँ पर रहे हैं परफॉर्मेंस देखे कहाँ से, तो इससे अच्छा जब थोड़ी बहुत छोटी मोटी जगह कहीं पर दूर नज़दीक कहीं पर भी मिल जाती है बस खड़े रहेंगे एंजॉय करेंगे देखेंगे, human beings have two feet
His first name is Mumbaikar. पसंद है तो ये व्लॉग उनके साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा लाल बटन उसे दबाइए, सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाएंगे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, क्या याद रखने का रानी, बोल अभी तो बोल जल्दी जोर से, जैसा जोश में तो बोलती है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। तो फुल ऑन लाइफ जी ही नहीं, पूरा टेंशन मेरे, ठीक है, इट्स हर चॉइस। उसका पहला टाइम था ऐसे किसी इवेंट में, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है बस। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टेंशन नहीं लेगा, फुल ऑन लाइफ जीनेगा। बाय बाय। बाय बाय, तू सिर्फ खड़े रह के ऐसे बाय बाय कर पीछे से, और मैं वीडियो निकालूंगा। अरे चल रहा है, अरे तू सिर्फ बाय बाय कर दे, मैं पीछे से ऐसा, अरे लेकिन तू उस तरह मुड़ के ऐसा ऐसा कर और मैं पीछे से वीडियो निकालता हूँ, ये अपना लास्ट होगा। अरे चल ना रागनी, अच्छा चल, हाथ तो पकड़ के चल।